एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स, आपको हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे। आपको हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, जिसकी इक्वेशन लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी थी। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। आज इसके केसेस बताने हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। आपकी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। आपकी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एन एन प्लस वन वाई बराबर जीरो, एन एन प्लस वन वाई बराबर जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। एन एन प्लस वन वाई बराबर जीरो ये इक्वेशन थी। ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एन एन प्लस वन वाई बराबर जीरो। फिर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं d अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एन एन प्लस वन वाई बराबर जीरो, ये दूसरी इक्वेशन थी। तो आपकी ये दो इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है, इसको हमने इस तरह, फिर हम इसको सॉल्व करते चले गए और इसका जनरल टर्म हमने निकाला। एक तो हमने इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन बनाई, आइडेंटिटी इक्वेशन के बाद हमने एक कंडीशन ये बनाई कि k बराबर n निकाला और k बराबर माइनस n प्लस वन बनाया। ये हमने दूसरा, तो ये जनरलाइज्ड सॉल्यूशन, पहले जनरलाइज्ड सॉल्यूशन बता दें। इसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन, डिसेंडिंग सीरीज सॉल्यूशन हमने माना y बराबर ए नॉट एक्स ई पावर के ए वन एक्स ई पावर के माइनस वन ए टू एक्स ई पावर के माइनस टू ए थ्री एक्स की पावर के माइनस थ्री एंड सो ऑन ए आर एक्स ई पावर के माइनस आर। इसका ये जनरल टर्म ले लिया तो वाई बराबर सिग्मा आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स ई पावर के माइनस आर ए आर एक्स की पावर के माइनस आर, ये हमने इसका, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड भी आपके यूज़ करनी है। फिर हमने आइडेंटिटी इक्वेशन बनाई इसको डिफरेंशिएट करके, और आइडेंटिटी इक्वेशन बनाने के बाद पहला टर्म इक्वेट किया और हमें मिला वी ऑब्टेंड, आपको लास्ट क्लास में बता दिया है के बराबर एन और के बराबर माइनस एन प्लस, ये आपको मिला, ठीक। फिर उसके बाद चले तो ये थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर दो बार डिफरेंशिएशन फाइव सिक्स, फिर रखा सेवन, फिर ये आई एट। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो अपना बदल लीजिएगा, ठीक है, एट आई, फिर एक नाइन, फिर उसके बाद टेन नंबर इक्वेशन आई ए आर बराबर आया माइनस में, ए आर बराबर माइनस में के माइनस आर प्लस टू के माइनस आर प्लस वन
एन एन प्लस वन माइनस के माइनस आर के माइनस आर प्लस वन ए आर माइनस टू, ये इक्वेशन 11 जहां तक आई थी। अगर कुछ काम ज्यादा हो तो अपना चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब आपने इसका केस स्पष्ट लिया और ऑड वाले a1 आपको जीरो आया, ये आपको इक्वेशन नंबर 9 में मिला। वी गेट a1 बराबर जीरो, ये इक्वेशन 9 में मिला। अब आइए केस फर्स्ट k इज इक्वल टू n ले लिया जाए, वेयर k बराबर n, ये लिया तो ar रखते जा रहे हैं माइनस में n माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन एन एन प्लस वन माइनस एन माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन ए आर माइनस टू, ये आपका आ गया ए आर माइनस टू। अब आप रखिए पुटिंग आर बराबर 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, a1 तो है तो a3 की वैल्यू आएगी माइनस में n माइनस 3 प्लस 2 एन माइनस 3 प्लस 1 एन एन प्लस वन एन माइनस थ्री एन माइनस टू, थ्री माइनस टू ए वन जीरो है तो आपका ए थ्री भी जीरो आ गया, ए फाइव भी जीरो आ जाएगा, ए सेवन भी जीरो आ जाएगा, तो ऑड वाले सभी आपके जीरो आ जाएंगे। तो इससे आपको आया a1, a3, a5, a7, सो ऑन, ये जीरो आएंगे। ये इक्वेशन हमने 13 ले ली, इक्वेशन नंबर 13 ले लिया। ये सभी आपके जीरो आएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सभी आपके जीरो आएंगे। ये इक्वेशन हमने 13 ले ली। ठीक, अब आइए r बराबर 2, 4, 6 रखिए, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब रखिए a2 माइनस n माइनस 2 प्लस 2 एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन एन प्लस वन एन माइनस टू एन माइनस वन ए नॉट, तो ये 2, 2 कट गया तो a2 की वैल्यू आ गई एन एन माइनस वन। ठीक है, और एन एन प्लस वन एन माइनस वन एन माइनस टू ए नॉट, ये इक्वेशन 14 ये 14 ये आपका है। फिर ये हो गया, फिर आपका a4 कर लीजिए, a4 कर लीजिए
ए फोर कर लीजिए, ए फोर आर बराबर फोर रखिए, ए फोर बराबर, ए फोर बराबर एन माइनस फोर प्लस टू, एन माइनस फोर प्लस वन अपॉन एन एन प्लस वन, एन माइनस फोर, एन माइनस फोर प्लस वन, फोर माइनस टू, ए फोर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन एन प्लस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, ए टू, फिफ्टीन, इक्वेशन फिफ्टीन। अब ए टू की वैल्यू रख दिया जाए, ए टू की वैल्यू रख दिया जाए, ए टू की वैल्यू रख दे तो ये आ जाएगा ए फोर बराबर माइनस 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 प्लस एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन एन प्लस वन, एन माइनस फोर, एन माइनस थ्री, एन माइनस वन, और ये है एन एन प्लस वन, एन माइनस वन टू, ठीक है। और ये हो गया ए नॉट, ये ए नॉट, ए नॉट। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 16 हो गए। अब इन वैल्यूज को रखा जाए इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स एंड डैश 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 इन इक्वेशन थर्ड। तो वाई बराबर ए नॉट एक्स की पावर के, ए वन के माइनस वन, ए टू एक्स की पावर के माइनस टू, ए थ्री, ए थ्री ए थ्री एक्स पावर के माइनस थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स। पुट करिए, पुटिंग के इक्वल टू एन, के इक्वल टू एन, तो वाई वन ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 17। अब आप रख दीजिए, रखते जाइए। पहले तो ए वन ए थ्री की वैल्यू जीरो, पुट करिए ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन जीरो, ठीक है। तो वाई वन बराबर
a naught x e power n, a 2 x e power n minus, a 4 x e power n minus, a 6 n minus 6. तो y1 बराबर नॉट x1, a2 की वैल्यू माइनस में n n माइनस 1, n n प्लस 1, n माइनस 1 2, a नॉट n माइनस 2, n n minus 1 3 upon n n minus plus 1 a naught x e power, ये अपने ये कर लिए. अब आपने a नॉट की वैल्यू रखी है, पुटिंग a नॉट बराबर पुटिंग a नॉट बराबर 1, 3, 5 and dash 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 2n-1 upon factorial n. ठीक, तो यहाँ पे रखना है, तो y1 a naught common लिया, n n minus 1, n n plus 1, n minus 1 x e power n n minus 1 n n plus 1 n minus 3 4 n n plus 1 n minus 1 n minus 4. इसमें a नॉट की वैल्यू रखी, तो ये पहले टाइप का सॉल्यूशन हो गया PnX. यहां वैल्यू रखी तो ये रख दिया PnX, ये हो गया 1, 3, 5 2n-1 upon factorial n, x की पावर n, n n माइनस 1, n n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, x की पावर n माइनस 1. n n minus 1 2 3
एन माइनस ये हो गया पी एन एक्स. दिस इज द फर्स्ट काइंड सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट काइंड सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. Differential equation. This is the first kind of this is the first kind solution of Legendre differential equation. Legendre differential equation का ये पहले तरीके का solution है. ये first kind solution आया. Note कर लीजिए बच्चों, this is the first kind solution of Legendre differential equation. आराम से नोट कर लीजिए, ये पहले तरीके का सलूशन आया है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब दूसरा देखना है, नोट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट काइंड सलूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहले तरीके का सलूशन आया है. नोट करिए, अब हम के सेकेंड टाइप सॉल्यूशन लेंगे. सेकेंड पहले ये नोट कर लीजिए, ये पहले टाइप का सॉल्यूशन है. दिस इज द फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन ऑफ Legendre differential equation. This is the first kind solution of Legendre. अब भाई दूसरा देखिए, case second. Case second, Qnx जो आता है, case second है k बराबर माइनस एन प्लस वन. केस सेकेंड के की वैल्यू है माइनस एन प्लस वन. ठीक, पुट करिए, पुटिंग इन इक्वेशन 11 में रखिए, ए आर बराबर माइनस में के माइनस आर प्लस टू के माइनस आर प्लस वन अपॉन एन एन प्लस वन के माइनस आर प्लस वन इंटू ए आर माइनस टू. ये इक्वेशन 11 थी, हमने ये इक्वेशन ये डाली 18, इस सॉल्यूशन को इक्वेशन 18, तो ये 19 डाल दिया. अब रखिए यहाँ पर ए आर बराबर माइनस, यहाँ रखा माइनस एन प्लस आर प्लस टू माइनस में एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन. एन एन प्लस वन माइनस में माइनस एन प्लस वन और माइनस एन प्लस वन आर प्लस वन. ठीक, अब ये हुआ जाके ए आर बराबर, ये आपने माइनस में कॉमन लिया
तो ये दोनों से माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ जाके, ये माइनस बना रहने दीजिए, एन प्लस वन आर प्लस आर प्लस टू, ये एन प्लस वन प्लस आर माइनस, ये माइनस को कॉमन लेंगे या इसको ऐसे रखिए, एन एन प्लस वन माइनस इसका लिया, एन प्लस वन प्लस आर इसका ले लिया, एन प्लस वन प्लस आर माइनस वन ए आर माइनस टू। हाँ अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। तो ये हुआ जाके ए आर बराबर एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर एन एन प्लस वन, ये वन से वन कट गया, एन प्लस आर एन प्लस आर एन प्लस आर प्लस वन, इसको और इजी करें तो हमने ऐसे किया, ए आर बराबर माइनस वन एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर, और ये किया एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन इसको कर लो पहले, एन स्क्वायर एन आर प्लस एन, आर का करो एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ए आर माइनस टू। तो ए आर बराबर माइनस वन एन प्लस आर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू एन आर ठीक है, माइनस एन माइनस आर स्क्वायर ए आर में। तो ये देखिए एन स्क्वायर कट गया, एन से एन कट गया, ठीक है, ये बचा जाके टू एन आर, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस टू एन आर माइनस आर स्क्वायर आर ए आर माइनस टू। तो ए आर माइनस 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 वन का स्क्वायर, एन प्लस आर माइनस वन
एन प्लस आर, आर को कॉमन ले लिया, टू एन प्लस आर प्लस वन, ए आर माइनस टू आर, टू एन प्लस आर प्लस, ये आपकी इक्वेशन 21 बनी, ये इक्वेशन 21 बनी। देखिए बच्चों, आराम से नोट करिए, नोट करिए, ऑड वाले जीरो हैं तो ए वन आपका जीरो है, तो ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन, ए नाइन एंड ये भी आपको जीरो मिल जाए, 22 आल्सो ऑब्टेंड जीरो। ठीक है, ये देखिए जरा, के सेकेंड, के की जगह एन माइनस एन प्लस वन, पहले हमने लिख दिया, के की जगह माइनस एन प्लस वन माइनस आर प्लस टू, माइनस एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, एन एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन माइनस आर, माइनस एन प्लस वन माइनस आर। अब एन माइनस, इससे भी माइनस, इससे प्लस हो जाए, एन प्लस वन प्लस आर माइनस टू, एन प्लस वन प्लस आर माइनस वन, एन एन प्लस वन माइनस में एन प्लस वन प्लस आर, एन प्लस वन प्लस आर माइनस वन, ये आपका इससे कट गया, तो ये हुआ वन वन, और ये आ गया एन प्लस आर माइनस वन, एन माइनस आर वन वन कट जाएगा, ये वन से ये वन गया, और एन एन प्लस वन एन प्लस आर, एन प्लस आर प्लस वन ए आर वन। अब ए आर बराबर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर, ए आर माइनस टू, एन स्क्वायर अंदर किया, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन आर प्लस एन, फिर आर का आर एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, इससे अंदर किया तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एन से एन कट गया, तो ये हो गया माइनस टू एन आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, माइनस वन की का होल स्क्वायर, एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर, आर बाहर लिए माइनस बाहर ले लिया तो, और आर भी बाहर तो टू एन प्लस आर प्लस वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन, ए नाइन डैश 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 विल बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ए वन जीरो। आप पुट करिए, पुटिंग आर बराबर टू फोर सिक्स, पुटिंग आर बराबर टू फोर सिक्स एट एंड सो वन, तो ए टू बराबर माइनस वन का स्क्वायर एन प्लस टू माइनस वन, एन प्लस टू, टू टू एन प्लस टू प्लस वन ए नॉट, तो ये आ गया ए टू बराबर माइनस वन का स्क्वायर एन माइ एन प्लस वन एन प्लस टू, टू इंटू टू एन प्लस थ्री ए नॉट, इक्वेशन 23। फिर इसी तरीके से तो ये माइनस वन का होल स्क्वायर तो प्लस वन ही समझो, तो इसे प्लस वन ही मानिए, तो ये इसे आप ऐसे प्लस वन कर लीजिए, ए टू बराबर एन प्लस वन एन प्लस टू, टू इंटू टू एन प्लस थ्री ए नॉट, 23। अब आपने आर बराबर फोर रखा, फोर ए फोर, वो ये तो प्लस वन ही है, एन प्लस फोर
माइनस वन एन प्लस फोर फोर इंटू टू एन प्लस फोर प्लस वन ए टू। तो ये हो गया ए फोर बराबर एन प्लस थ्री एन प्लस फोर, ठीक है, टू टू फोर टू एन प्लस फाइव ए टू ट्वेंटी फोर। ए टू की वैल्यू रख दीजिए, putting the value of A2, to A4 n plus 3 n plus 4 4 2n plus 5 A2 ki value n plus 1 n plus 2 2 टू एन प्लस थ्री ए नोट। तो ए फोर बराबर एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर टू 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 का ये हो गया एट, टू का क्यूब कर लो टू फोर इंटू टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव ए नॉट, इक्वेशन 25। अब ये इक्वेशन 11 में रखिए, पुटिंग इन इक्वेशन 11, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए टू ए फोर ए सिक्स इन इक्वेशन 11, किस में रखेंगे 11 में, तो y बराबर ए नॉट के प्लस ए के माइनस वन ए टू एक्स पावर के माइनस टू ए थ्री एक्स पावर के माइनस ए फोर एक्स पावर के माइनस वन ए फाइव एक्स पावर के माइनस वन ए सिक्स एक्स पावर के माइनस सिक्स। अब आपने पुट किया, पुटिंग के बराबर माइनस एन प्लस वन और ए वन ए थ्री ए फाइव सेवन ये जीरो कर दी, तो ये वाई टू बराबर ए नॉट एक्स ई पावर माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन, ठीक है, ये तो जीरो कर दिया, ए टू एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस ए फोर एक्स ई पावर माइनस एन प्लस वन माइनस फोर, ठीक है। तो वाई टू बराबर ए नॉट माइनस एन माइनस वन ए टू माइनस एन माइनस थ्री ए फोर एक्स की पावर एन माइनस एन माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 26 आ गया, नोट करिए बच्चों 26 आ गया, जल्दी करिए। अब हम A2 A4 की वैल्यू यहाँ पे रखने जा रहे हैं, A2 A4 A2 A4 की वैल्यू रखते हैं, बस होने वाला है सलूशन, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, कोई एक सलूशन एक लॉन्ग जरूर है। तो y2 बराबर
वाई टू बराबर ए नॉट एन माइनस वन एन प्लस वन एन प्लस टू टू इंटू टू एन प्लस थ्री ए नॉट एन माइनस थ्री एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर टू इंटू फोर ठीक है टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव फाइव ए नॉट एक्स पावर एन माइन ऐसे चलता चले ठीक है। अब हम ए नॉट को कॉमन ले लिए ए नॉट को कॉमन ले लिया है ए नॉट को कॉमन ले लिया तो एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन एन एन प्लस वन एन प्लस टू टू इंटू टू एन प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस एन माइनस थ्री एन प्लस वन एन प्लस टू थ्री एन प्लस फोर टू फोर टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव माइनस एन माइनस ये इक्वेशन आपकी है 27। ए नॉट का मान रख दीजिए उल्टा फैक्टोरियल एन तो ये हो जाएगा क्यू एन एक्स ये हो जाएगा क्यू एन एक्स पुटिंग ए नॉट बराबर वन थ्री फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन अपॉन वन थ्री फाइव फैक्टोरियल टू एन माइनस वन ठीक पुट करिए तो ये हो गया क्यू एन एक्स फैक्टोरियल एन वन थ्री फाइव टू एन माइनस एक्स की पावर माइनस एन एन प्लस वन एन प्लस टू टू इंटू टू एन प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस एन माइनस थ्री वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर टू फोर टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव एक्स की पावर एन माइनस फाइव 28 ठीक है। ये आपकी सेकेंड काइंड सॉल्यूशन हुआ दिस इज द सेकेंड काइंड सॉल्यूशन। दिस इज द सेकेंड काइंड सॉल्यूशन दिस इज द सेकेंड काइंड सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ये दूसरे तरीके का सॉल्यूशन है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए लीजेंडर का कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन है ठीक है द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, y बराबर ए पी एन एक्स बी क्यू एन एक्स, y बराबर ए पी एन एक्स बी क्यू एन एक्स, y बराबर ए पी एन एक्स बी क्यू एन एक्स। ए बी क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर आर्बिट्री। ये बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ आपका लेजेंडर का, तो आज ये दूसरी क्लास में ये सॉल्यूशन हो गया है। बिल्कुल घबराइए नहीं, सरल चीज़ें भी आएंगी, पर शुरुआत मैथमेटिकल फिजिक्स से करी है तो थोड़ा सा शुरुआत में टिपिकल लग रहा है, पर ये कोई पेपर टिपिकल नहीं है। बिल्कुल परेशान ना होइए, हम रिवीजन भी कर देंगे, ठीक है।